Hi friends, I'm Anand Panchmay at Engineers Classes, and today we're going to start with the next topic, which is electric field. The name of the topic is electric field. Now, how exactly we have got the concept of electric field? क्यों ये कंसेप्ट को पढ़ना जरूरी है? सो वी नो दैट व्हाट इज कूलम्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी नो सो वेल. बराबर, ये क्या हो रहा है? दो चार्जेस है, एक चार्ज दूसरा चार्ज क्यू वन क्यू टू, उसके बीच में इतना फोर्स लगता है. फाइन, मतलब ऐसा हुआ कि एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है और दूसरा चार्ज जब यहाँ पे आया तो पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज पे कुछ तो फोर्स लगाया. यस और नो? This is what I say. Fine? Okay. Now, let us understand one thing. मान ले ये चार्ज यहां पे नहीं है तो फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा. पर जैसे ही चार्ज इसे सडनली वहां पे प्रकट हो जाता है तुरंत फोर्स लगेगा. पता चला कि नहीं पता चला? मतलब चार्ज नहीं है, फोर्स नहीं है, बट तब यहां पे कुछ तो ऐसा है कि जिस विसिनिटी में अगर चार्ज आ जाता है तो उस पे फोर्स लगता है. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर हुआ? फाइन. व्हाई वी हैव टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? मतलब दो चार्ज है, वी टॉक अबाउट द फोर्स. व्हेन यू हैव टू चार्जेस वी नेचुरली टॉक अबाउट फोर्स, बट व्हेन यू हैव ओनली वन चार्ज, when you have only one charge, we can't say anything, no, because दूसरा चार्ज है ही नहीं तो ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. फाइन, मतलब अगर चार्ज अकेला बैठा हुआ है तो क्या है? उसके आसपास एक फील्ड है, उसके आसपास एक फील्ड है. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? फाइन, उसके आसपास एक मस्त वाला फील्ड है और वो फील्ड में या उस विसिनिटी में जहां पे उसका फील्ड प्रिवेल करता है, उस विसिनिटी में अगर दूसरा कोई चार्ज आए तो उस पे फोर्स लगता है. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? यानी चार्ज अकेला बैठा है, उसके आसपास क्या है? फील्ड है. उसके आसपास क्या है? फील्ड है. और अगर उसकी विसिनिटी में दूसरा कोई चार्ज आ जाता है तो वो चार्ज क्या फील करता है? फोर्स फील करता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? कोई डाउट इसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, आई मीन हाउ एग्जैक्टली वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ एग्जैक्टली वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, सो टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वी से दैट इट इज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्या बोलते उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मनीषा जी, क्या बोलते उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. राइट? आप सो रहे हो मनीषा जी, आप बहुत सो रहे हो. आप ओके हो? वेरी गुड, ध्यान दो. चलो, सो वी हैव गॉट फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मतलब ऐसे चुभना, राइट? फाइन, कितना इंटेंस है वो, कितना चुभ सकता है वो फोर्स? पता चला कि नहीं पता चला? फाइन, ज्यादा फोर्स है कम फोर्स है? फाइन, पता चल रहा है वो यूनिट चार्ज पे ज्यादा फोर्स है मतलब ज्यादा इंटेंसिटी है, यूनिट चार्ज पे कम फोर्स है माने कम इंटेंसिटी है. कौन सी इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी. कौन सी इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है भाई? क्लियर? फाइन, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज डिनोटेड. इट इज डिनोटेड बाई ई. और मैंने अभी तो बोला इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो नेचुरली द यूनिट इज व्हाट? द यूनिट इज न्यूटन पर कूलम्ब. द यूनिट इज व्हाट? न्यूटन पर कूलम्ब. उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको खुद को बनाने का है. बराबर? फाइन, चलो बाद में यहां पे दिस इज न्यूटन पर कूलम्ब वी नो, बट उसका जो फेमस यूनिट है ना, फेमस बगासा खा के, फाइन, फेमस यूनिट, तो वो फेमस यूनिट है वोल्ट पर मीटर. क्या है उसका फेमस यूनिट? वोल्ट पर मीटर. क्या है फेमस यूनिट? वोल्ट पर मीटर. वोल्ट पर मीटर वाला यूनिट वी आर गोइंग टू डिराइव, आई मीन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग
इन द नेक्स्ट चैप्टर, पर अभी तेरे को याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम तो है ही है, दूसरा यूनिट कौन सा है? वोल्ट पर मीटर है। दूसरा यूनिट कौन सा है? वोल्ट पर मीटर है। पर वो यूनिट उसका बहुत फेमस वाला यूनिट है। फाइन, वो यूनिट उसका बहुत फेमस वाला यूनिट है। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? ग्रेट। सो वी कैन सी दैट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यू नो डिफाइन करने के लिए, सबसे पहले डिफाइन जब किया था तब वी टुक अ टेस्ट चार्ज, हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज लिया था। फाइन, सो दैट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज सपोज क्यू जीरो। फाइन फाइन, उस टेस्ट चार्ज को मैंने क्या बोला? क्यू जीरो बोला। उसको मैंने क्या बोला? क्यू जीरो बोला। फाइन, और उसके उसको कहां पे रखा? तो मेरे पास एक सोर्स चार्ज था। कौन था? सोर्स चार्ज। कौन था? सोर्स चार्ज। फाइन, वो सोर्स चार्ज ने क्या किया? अपना फील्ड जनरेट किया, अपना फील्ड जनरेट किया, अपना फील्ड जनरेट किया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, और उसकी विसिनिटी में छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा। फाइन, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। फाइन, सो व्हाट विल हैपन? दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन। पता चला कि नहीं पता चला? अभी मैंने क्या किया? चार्ज को यहां से हटा दिया, चार्ज को यहां से हटा दिया, मैंने उसको यहां पे रखा। द फोर्स वॉज इन दिस डायरेक्शन। देन आफ्टर चार्ज को हटाया, चार्ज को हटाया और टेस्ट चार्ज को यहां रख दिया, इट वॉज एक्सपीरियंसिंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन। पता चला कि नहीं पता चला? मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट्स अ स्फेरिकल फील्ड। फाइन, हर एक डायरेक्शन में उसका वेक्टर निकलता है। जहां पे टेस्ट चार्ज रखो वहां पे तुझे फोर्स मिलता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन, ओके, सो वी कैन से दैट यहां से यानी इनफाइनाइट लाइन से निकल रही है, हर एक डायरेक्शन के अंदर टोटल मिला के इनफाइनाइट लाइन से कमिंग आउट। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? तू बोल उस जगह पे वो है, तू बोल उस जगह पे वो है। क्लियर हुआ? फाइन, वो ऊपर वाले जैसा ही कहीं पे भी होता है, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले जैसा है, कहीं पे भी होता है, दिखाई नहीं देता, महसूस होता है, राइट? ओके, चल, सो वी कैन से दैट कि यहां पे चार्ज है, दिस इज द सोर्स चार्ज विच इज जनरेटिंग द फील्ड। टेस्ट चार्ज विल अंडरस्टैंड बाय पुटिंग इट, विल अंडरस्टैंड, वी टेस्टिंग, ओ है कि नहीं, ओ है कि नहीं, ओ है कि नहीं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? ग्रेट। सो ये चीज पता हो गई कि ये कैसा फील्ड है? वेक्टर फील्ड है। कैसा फील्ड है? वेक्टर फील्ड है। किस डायरेक्शन में है? तो जहां पे चार्ज रखा है, फाइन, उसी डायरेक्शन में है वो। फाइन, वो चार्ज को सोर्स चार्ज के साथ ज्वाइन करने वाली लाइन पे होता है वो, बराबर? उसका डायरेक्शन टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के साथ ज्वाइन करने वाले लाइन पे होता है वो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट इसके अंदर? कोई भी डाउट इसके अंदर? यानी इट इज अ वेक्टर फील्ड, वी हैव अंडरस्टूड दैट। सो वी कैन से दैट इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज कोई तो क्यू चार्ज, दिस इज कोई तो क्यू जीरो, छोटा सा टेस्ट चार्ज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, अच्छा, इस डायरेक्शन को मैं सपोज आर कैरेट बोल देता हूं। दिस डायरेक्शन आई कंसिडर एज आर कैरेट डायरेक्शन। क्लियर हुआ? इस डायरेक्शन का नाम दिया, माने ये क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो तो पूरी चीज को सिर्फ डायरेक्शन मिल जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वी कैन से दैट फोर्स, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स विच इज इक्वल टू फोर्स विच इज अ वेक्टर विच इज इक्वल टू के q1 q2 अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस r स्क्वेयर इनटू डायरेक्शन कौन सी? r कैरेट की डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी? r कैरेट की डायरेक्शन। पता चला? हाउ वी डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। सो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज दैट इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार, which is equal to KQ upon R square into R caret. पता चला कि नहीं पता चला? Fine. कोई doubt? So we have derived the value of electric field intensity due to a point charge. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? This is the formula for electric field intensity due to a point charge. Clear हुआ? Fine. For example, let us understand कि I have two coulomb charge at origin. We have to calculate the value of electric field intensity. Find E bar.
find E bar at 1, 2, 3 and 10, 10, 10. In two points, mein mujhe electric field intensity find karni hai. Try to imagine what exactly they have given. Data de diya. Find data de diya. Hame kya chahiye tha? Hame sirf k, q aur r square chahiye tha. Aur r caret mujhe chahiye tha. Find baga sakha ke kitna baga sakha raha hai beta tu. Piche piche ja ke so raha hai tu. Chal aaja, thoda aage aaja beta. Thoda aage aaja. So this is my three dimensional coordinate system. And I am considering that the test source charge is at origin. Source charge is at origin. Source charge is at origin. Kitna hai? 2 कूलम का चार्ज है. पता चला कि नहीं पता चला? बगा सका के 2 कूलम का चार्ज है. डन बेटा. फाइन. ओके. अभी इसका 0 0 0 हो गया कि नहीं हो गया? फाइन. इसका पोजीशन 0 0 0 हो गया कि नहीं हो गया? मुझे कहाँ ढूंढना है? तो मुझे ढूंढना है 1 2 3 पे. सपोज दिस इज द पॉइंट 1 2 3. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. तो मुझे क्या करना है? इसकी वजह से इसके ऊपर, इसकी वजह से इसके ऊपर. So this is the direction that I have got. Fine. So this becomes my R bar vector. So I can say that my R bar vector will be given by this minus this. Clear? Fine. Okay. Pata chala beta aapko? Fine. Okay. So this minus this we have got 1 minus 0 into I caret plus 2 minus 0 into J caret plus 3 minus 0 into K caret. So we have got R bar, which is equal to I caret plus 2J caret plus 3K caret. Barabar mod of R bar. Mujhe to unit vector chahiye na. Mod of R bar. See, in this formula, R square is nothing but the magnitude ka square of this distance. It is the magnitude of this vector. वही तो मुझे डिस्टेंस देगा ना दोनों के बीच का. इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड लेंथ जितना होगा, इट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड. फाइन. वही है डिस्टेंस मुझे चाहिए ना यहाँ पे. फाइन. सो वी कैन से दैट आर बार का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 स्क्वायर 9. सो 14 हो गया. सो अंडर रूट 14 विल बी माई आर बार का मैग्नीट्यूड. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ओके. सो आई कैन रादर से दैट इज ऑल्सो इक्वल टू के क्यू into this is r bar divided by r. Fine. Vector upon its magnitude divided by r square is already there, so we'll be having k q divided by r cube into r caret. But r bar samajh pada ki nahi samajh pada? So I've got the value of r bar, I've got a value of r, so I can easily calculate this thing. Pata chala ki nahi pata chala? Fine. Bagasa boy, clear? Jabra bagasa kha raha hai tu. Fine. So we can say that electric field एट कहां ढूंढना है? 1 2 3 विच इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर बार. सो के कितना है? 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय क्यू कितना है? 2 कूलम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14 कितना हो रहा है? अंडर रूट 14 कितना? 3.74 द होल क्यूब कितना हो रहा है? और r कैरेट में डाल देता हूं i कैरेट प्लस 2j कैरेट प्लस 3k कैरेट कितना? 52.3. फाइन. सो दिस इज 52.3 18 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय i कैरेट प्लस 2j कैरेट प्लस 3k कैरेट. सो 18 डिवाइड बाय 52.3 0.34 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय i कैरेट प्लस 2j कैरेट प्लस 3k कैरेट. ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, नॉट एन इश्यू. बराबर. और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है वोल्ट पर मीटर. तो पता चला कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढा जाता है? फाइन. क्या डेटा दिया गया होगा और कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढोगे? सेट हो गया कि नहीं हो गया दिमाग में? फाइन. पक्का क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? फाइन. दूसरा आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? फाइन. ये दूसरा चीज जो ढूंढना आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं. कैरी ऑन.